किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। जीवामृत जब भी आप बनाते हैं तो वह आपकी क्षेत्र में पानी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आपका क्षेत्र कैसा है, आप किस जगह से हैं, वहाँ पानी कैसा है, आपका पानी खारा है या हल्का मीठा है या ज़्यादा मीठा है या क्षारी है या कम क्षारी है, इस पर डिपेंड करता है। हमारे कई किसान साथियों को भ्रम रहता है कि सर हमारा जीवामृत सफ़ेद कलर का बना है, हमारा जीवामृत क्रीमी कलर का है, हमारा जीवामृत गहरे पीले रंग का है या हल्के पीले रंग का है या हल्के ब्राउन रंग का है, भूरा रंग का है या डार्क भूरा रंग का है। तो किसान साथियों, मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि आप कलर पर बिल्कुल मत जाइए। आप ये देखिए, जब भी आप भोजन देश में गुड़ डालें और आटा डालें तो आप देखें मल्टीप्लाई जब प्रक्रिया शुरू होती है, यानी बैक्टीरिया जब भोजन खाना स्टार्ट करते हैं, जो भी उनके भोजन के लिए हम आटा और गुड़ डालते हैं, तो उसमें हल्का सा साउंड सुनाई देगा। उस साउंड को सुनिए, यदि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है तो आपका जीवामृत 100% अच्छे तरीके से बन रहा है। और जीवामृत का कलर कोई भी हो सकता है। अभी आपने पहले वीडियो में देखा झाग बना हुआ, उसमें सफ़ेद लेयर बनी हुई है और बुलबुले बने हुए हैं, और इसके बाद देखा आपने हल्का वाइट कलर का है। अब ये आप देख पा रहे हैं लाइट येलो, यानी कि हल्का पीला कलर लिए हुए है, यानी कि सुनहरा कलर। तो ये बनने की प्रक्रिया आपके क्षेत्र और पानी के ऊपर निर्भर करती है कि आपका पानी कैसा है उस क्षेत्र का और किस क्षेत्र से आप हैं। तो कलर पर बिल्कुल कन्फ्यूजन आप पैदा ना करें, बिंदास होकर यूज करें, कलर पर मत जाइए। यदि आपका साउंड आ रहा है, जब बनकर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तब साउंड आना बंद हो जाता है। इसके बाद हम जब पुनः उसमें भोजन देंगे तो फिर से मल्टीप्लाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना भ्रम के बहुत ही आसानी से जीवामृत को यूज करिए और अपनी खेती को प्राकृतिक खेती बनाइए।